सो हेलो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस कंटिन्यू विद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 थ्योरम नंबर 79 इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम तो इफ कैपिटल एच वी हिलवर्ड स्पेस दैन शो दैट एच स्टार इज आल्सो हिलवर्ड स्पेस बोलता अगर कैपिटल एच हिलवर्ड स्पेस है तो उसका कॉन्जुगेट हुई हिलवर्ड स्पेस होता है विद रिस्पेक्ट टू इनर प्रोडक्ट डिफाइंड बाई एफ एक्स इनर प्रोडक्ट एफ वाई इक्वल टू बाई इनर प्रोडक्ट एक्स मतलब जो पैर में हैं उनका रिवर्स इसका मतलब ये हुआ कि अंडर दिस अंडर दिस डिफाइनिंग अगर एच हिलवर्ड स्पेस है तो अंडर दिस डिफाइनिंग इस एच का कॉन्जुगेट भी हिलवर्ड स्पेस होगा और इफ एच स्टार डिनोट कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ हिलवर्ड स्पेस एच देन शो दैट एच स्टार इज आल्सो हिलवर्ड स्पेस और अगर सेकेंड स्टेटमेंट आपको देगा तो यू हैव टू रिटेन दिस डिफाइनिंग यू हैव टू रिटेन दिस डिफाइनिंग तो मैंने क्या किया एच और एच स्टार के बीच में एक मैप डिफाइन किया लेट साइज मैपिंग फ्रॉम एच टू एच स्टार डिफाइंड बाई साई ऑफ़ वाई इक्वल टू एफ पैर में वाई और ये देख चुके हैं अभी आप एच स्टार में जो फंक्शनल होते हैं दे आर ऑफ द टाइप एफ वाई वेयर एफ वाई इक्वल टू इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्सम सेवनटी एट लास्ट वीडियो में यू हैव प्रूवड इन थियोरम नंबर सेवेंटी एट ये होता है एच स्टार में जो फंक्शनल होता है उसकी डिफाइनिंग ये होती है ठीक है जी तो एच स्टार को हिलबर्ड स्पेस प्रूव करने से पहले <coughs> मुझे कुछ रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी हम उसको पहले चेक कर लेते हैं नाउ एफ वाई वन प्लस बाई टू ये इसके पैरामिस्प्रिक्स है ऑफ़ एक्स लेके चले बाई दिस डिफाइनिंग तो एफ वाई एक्स की डिफाइनिंग क्या है एक्स इन अर प्रोडक्ट वाई तो एफ वाई वन प्लस बाई टू ऑफ एक्स की डिफाइनिंग क्या बन जाएगी एक्स इन अ प्रोडक्ट वाई वन प्लस बाई टू उसका इन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई की एक्स इन अर प्रोडक्ट वाई वन प्स एक्स इन प्रोडक्ट वाई टू बाई रिवर्स डिफाइनिंग एक्स इन अर प्रोडक्ट वाई वन बन जाएगा एफ वाई वन एक्स ये बन जाएगा एफ वाई टू एक्स बाई रिवर्स डिफाइनिंग यह आ गया उसके बाद एफ़ वाई वन एक्स एफ वाई टू एक्स एफ बाई वन एफ बाई टू क्लब कर दिया ऑफ एक्स और बाई कम्पेरिज़न एफ वाई वन प्लस बाई टू बिकम्स एफ वाई वन प्लस एफ बाई टू क्योंकि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके इसलिए इसको मैंने पहले डिफाइन करके कर रख लिया उसी तरीके से प्रोडक्ट में डिफाइन कर दिया स्केलर प्रोडक्ट एफ अल्फा वाई एफ़ के पैर में अल्फा वाई ऑफ एक्स लेके चले बाई डिफाइनिंग एक्स अल्फा वाई अल्फा सेकंड टू को मैं बार बार गया एक्स एन ए प्रोडक्ट वाई बाई डिफाइनिंग इट बिकम्स एफ वाई एक्स और उसके बाद कंपेरिजन से एफ अल्फा बाई इक्वल टू अल्फ़ा बार एफ बाई इसका मतलब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर यहाँ पर अल्फा है अगर यहाँ पर अल्फा है तो वो विद बार बहर आएगा अगर यहाँ पर अल्फा है ध्यान से देख लीजिए फिर से अगर यहाँ पर अल्फा है तो विद बार यहाँ पर आएगा ध्यान रखना क्योंकि इसको मैंने यूज़ करना अभी नंबर वन और नंबर टू हम यूज़ करेंगे आगे नो वी विल प्रूव एच स्टार इज हिलवर्ड स्पेस और हिलवर्ट स्पेस प्रूव करने का तरीका वो हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज पहली है पहली प्रॉपर्टी एच स्टार में कैसा एलिमेंट है एफ एक्स टाइप के फंक्शनल है ठीक है तो इसको हिलवर्ट स्पेस प्रूव करना है तो एफ एक्स इनर प्रोडक्ट एफ बाई होल बार हम लेके चले बाई डिफाइनिंग इट बिकम्स बाई कॉमा एक्स बार बाई डिफाइनिंग इट इज गिवन इन द क्वेश्चन बार का मतलब इंटरचेंज और एक्स इनर प्रोडक्ट बाई एक्स इनर प्रोडक्ट बाई ध्यान रखिएगा बाई इनर प्रोडक्ट एक्स है एफ एक्स इनर प्रोडक्ट एफ वाई तो अगर इनका करैक्टर चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली भी चेंज होंगे तो एक्स इनर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा एक्स इन अट बाई क्या एफ वाई इनर प्रोडक्ट एफ एक्स तो हो गया प्रूफ ये प्रूव करना था हमने सेकेंड प्रॉपर्टी अल्फा एफ एक्स प्लस बीटा एफ वाई इनर प्रोडक्ट एफ जेड हम लेकर चले क्या आना चाहिए अल्फा एफ एक्स इनर प्रोडक्ट एफ जेड प्लस बीटा एफ वाई इनर प्रोडक्ट एफ जेड आना चाहिए लेके चले मैंने क्या किया इस अल्फा को रिप्लेस कर दिया अल्फा डबल बार से बीटा को रिप्लेस कर दिया बीटा डबल बार से कोई दिक्कत नहीं क्योंकि डबल बार मीन्स एलिमेंटेड सर उसके बाद फिर लगाई मैंने डिफाइनिंग नंबर टू से नंबर टू से ये एफ के पैर में ये उसके बाद ये आ गया आपका उसके बाद इस स्टेप इस के बाद ये जो स्टेप है दिस इज बाय स्टेप नंबर टू अल्फा बार एफ बाई यहाँ अल्फा बार एफ बाई है तो ये अल्फ़ा बार यहाँ बन जाएगा अल्फ़ा तो यहाँ पर अल्फ़ा डबल बार एफ एक्स है तो डबल बार क्या बन जाएगा सिंगल बार में कन्वर्ट होगा कन्वर्ट हो जाएगा एफ़ के पैर में अल्फा बार एक्स प्लस एफ के पैर में बीटा बार बाई इनर प्रोडक्ट एफ जेड ठीक है जी उसके बाद बाई नंबर वन नंबर वन से अगर एफ बाई वन प्लस एफ बाई टू अलग अलग हैं तो बाई वन प्लस बाई टू सिंगल में चले जाएंगे यहाँ पर एफ़ बाई वन प्लस एफ बाई टू अलग अलग हैं तो बाई वन प्लस बाई टू इकट्ठे हो जाएंगे ठीक है जी उसके बाद बाई डिफाइनिंग ये बन गया बाई डिफाइनिंग एफ एक्स इनर प्रोडक्ट एफ जेड ये ध्यान रखना एफ के पैर में सारे ये सारा का सारा एफ़ के पैर में है और एफ़ एक्स इनर प्रोडक्ट एफ बाई है बाई इनर प्रोडक्ट एक्स बाई बाई मीन्स जेड पहले आ जाएगा और ये बाद में आ गया उसके बाद अल्फा बार बाई बार, बार सेकेंड ऊपर में तो वो बिधबार बार आएंगे डबल बार अल्फा जेड इन प्रोडक्ट एक्स बीटा जेड इन प्रोडक्ट बाई एंड बाई रिवर्स डिफाइनिंग जेड इन प्रोडक्ट एक्स बन गया एफ एक्स इन प्रोडक्ट एफ जेड जेड इन प्रोडक्ट बाई बन गया एफ बाई इन प्रोडक्ट एफ जेड बाई रिवर्स डिफाइनिंग ठीक है जी उसके बाद दो, दो प्रॉपर्टीज होगी तीसरी प्रॉपर्टी एफ एक्स इन प्रोडक्ट एफ एक्स क्या आना चाहिए एफ एक्स नॉर्म स्केर आना चाहिए स्केर एक्स नॉर्मल स्केर मीन्स एफ एक्स नॉर्म स्केर बाई थी सेवन यू प्रूव्ड तो ऑल द प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड सो एच स्टार इज हिवर्ट स्पेस सिंपल है कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑपरेटर एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर ऑन एच स्टार तो लेट कैपिटल टी भी एन ऑपरेटर ऑन एच देन देन टी स्टार भी ऑपरेटर ऑन एच स्टार डिफाइंड बाई टी एच का ऑपरेटर है तो टी स्टार एच स्टार का ऑपरेटर होगा विच इज डिफाइंड बाई टी स्टार एफ ऑफ एक्स

इसको आगे फर्दर डिफाइन किया इसने एफ ऑफ टी ये ये इसकी डिफाइनिंग एफ टी ऑफ एफ इन टी ऑफ एक्स एफ इंटू टी ऑफ एक्स लिखो या एफ ऑफ टी ऑफ एक्स लिखो मैं आपको एक चीज बड़ा क्लियर कर देता हूँ यहाँ कई जगह उसने टी ऑफ एक्स ऐसे यूज़ किया होगा या कई जगह उसने टी एक्स ऐसे यूज किया होगा या कई जगह उसने एक्स टी ऐसे यूज किया होगा तो ये तीनों का मतलब यहाँ पर पर्टिकुलरली इन दिस हिलवर्ट स्पेस इज सेम ऐसे लिखो ऐसे लिखो ऐसे लिखो ये एक ही मतलब है ध्यान रखना इस चीज़ का दिस इज इंपॉर्टेंट है तो ये लिखो या ये लिखो ये की बात है ये लिखो या ये लिखो की बात है ये दोनों सेम है ये दोनों सेम है तो कहीं पर ऐसे लिखा होगा कहीं पर ऐसे लिखा होगा तो उसको कन्फ्यूज नहीं करना कहीं पर टी ऑफ एक्स लिखा होगा कहीं टी एक्स लिखा होगा कहीं एक्स टी लिखा होगा तो इसको कन्फ्यूज नहीं करना आपने ठीक है जी तो इसने ऑपरेटर कैसे डिफाइन किया है ये टी स्टार कैसे डिफाइन किया टी स्टार एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टी ऑफ एक्स ऐसे मतलब ये इसकी डिफाइनिंग का ध्यान रखना टी स्टार एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ टी ऑफ एक्स फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू एच स्टार और एच स्टार में जो भी आएगा वो फंक्शनल होगा एच से एलिमेंट आएगा वेरिएबल होगा ये जो नोट लिखा आ गया इस नोट का मतलब यही है जो मैंने अभी आपको समझाया मतलब इन वर्किंग विद ऑपरेटर्स ये ऐसे लिखो ऐसे लिखो प्रैक्टिस लगा लो इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू ओमिट अमिट पैरिसवर इट इज वेन एवर इट सीम्स कन्वीनियंट अपनी कन्वीनियंस कन्वीनियंस के अनुसार हम लिखेंगे टी ऑफ एक्स लिखो टी इंटू एक्स लिखो एक्स इंटू टी लिखो की बात है देर इज एवेंचुअली नो इम्प्यमेंट ऑफ क्लैरिटी इन राइटिंग मतलब टी स्टार एफ ऑफ एक्स ऐसे लिखो एफ ऑफ टी ऑफ एक्स ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है कंफ्यूज तो नहीं करना आप लोगों ने ठीक है।, है जी उसके बाद नेक्स्ट थ्यूरम नंबर एटी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम लेट कैप्टो टी वी एन ऑपरेटर ऑनबेस्ट टी स्टारोडक्ट बाई इज इक्ल टू एक्स टी स्टार बाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट नाउ आपने याद क्या करना है टी ऑफ एक्स टी ऑफ एक्स या टी एक्स टी एक्स इन प्रोडक्ट वाई इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स टी स्टार वाई मतलब फर्स्ट टुप्पल से टी को अगर सेकेंड टुपर में लेके जाना है तो विद स्टार जाएगा ध्यान रखिएगा फर्स्ट टुप्पल से सेकेंड टुपर में जाना तो विद स्टार जाएगा और सेकेंड टुपल में अगर टी विद स्टार है और उसको फर्स्ट टुप्पल में लाना है तो स्टार हट जाएगा ऐसे से वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है फर्स्ट टुप्पल से सेकेंड टुपल में जाना तो टी स्टार के साथ जाएगा और सेकेंड टुपल में अगर टी स्टार के साथ आए तो फर्स्ट टुपर में आना तो वो स्टार हट जाएगा

अगर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कॉन्टीन्यूस है तो वो बन जाता है लीनियर ऑपरेटर तो पहले तो हमने चेक करना है कि क्या टी स्टार लीनियर ऑपरेटर है अगर लीनियर ऑपरेटर है तो नंबर एक लीनियर होना चाहिए नंबर दो ये कॉन्टीन्यूस होना चाहिए ठीक है जी ठी? तो देखते हैं ज़रा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने का तरीका दो एलिमेंट हेल्बर्ट स्पेस से उठाए दो एलिमेंट फील्ड से उठाए ठीक है तो टी स्टार अल्फा बाय वन प्लस बीटा बाय टू क्या आना चाहिए अल्फा टाइम टी स्टार बाई वन प्लस बीटा टाइम टी स्टार बाई टू आना चाहिए तो देखते हैं यहाँ तक नहीं आता तो हमने क्या किया एच में कैरिमेंट उठाया और उसका इनर प्रोडक्ट इसके साथ ले लिया एक्स का इनर प्रोडक्ट इसके साथ ले लिया अब टी स्टार सेकेंड टुपर में है फर्स्ट में आएगा तो स्टार हट जाएगा तो टी एक्स अब मैं ये बातें बार बार बोल रहा हूँ टी एक्स लिखो या टी ऑफ एक्स लिखो की बात है यहाँ पे अल्फा बाई वन प्लस बीटा बाई टू ना अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट सेकेंड टूपर में कॉन्सेंट रुपये तो बार बार आएंगे टी को सेकेंड टूपर में लेके जाना तो स्टार लग जाएगा उसके बाद अल्फा बार को सेकंड टुपर में लेके जाना तो बार हट जाएगा वैसे बीटा का बार हट जाएगा उसके बाद रिवर्स डिफाइनिंग उल्टी डिफाइनिंग इन प्रोडक्ट की एक्स इनर प्रोडक्ट वाई वन प्लस एक्स इन अर प्रोडक्ट वाई टू इक्वल टू एक्स इनर प्रोडक्ट वाई वन प्लस बाई टू उसके बाद दोनों इनर प्रोडक्ट को कंपेयर करो आपस में कंपेयर करेंगे तो क्या होगा एक्स टोप्लेक्स के बराबर होगा बाई टोपल बाई के बराबर होगा तो क्योंकि एक्स टोप्लैक्स बराबर हैं तो बाई टूपर बराबर होंगे और यही हमने प्रूव करना था ये बन गया आपका लीनियर वी विल प्रूव टी टी स्टार स्टार इज इज तो मतलब टी स्टार बाई नॉर्म स्केर लेके चले यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं तो टी स्टार बाई इन प्रोडक्ट टी स्टार बाई सेकेंड टुकड़ का टी स्टार उठा के साइड लेके आए तो स्टार खत्म हो गया उसके बाद दोनों साइड मॉड ले लिया दोनों साइड मॉड ले लिए साइड मॉड का कोई असर नहीं पड़ेगा तो ये आ गया मॉड उसके बाद बाई कॉचिज इन इक्वालिटी एक्स इनर प्रोडक्ट वाई मॉड इज लेसन इक्वल टू एक्स नॉर्म इंटू बाई नॉर्म उसके बाद ये नोट नंबर थ्योरम नंबर थर्टी थ्री सेक्शन फर्स्ट में थ्योरम नंबर थर्टी थ्री से पहले एक नोट लिखा था आपने कि अगर टी लीनर ट्रांसफॉर्मेशन है अगर टी लीनर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी ऑफ एक्स नॉर्म इज ऑलवेज लेस लेसन टी नॉर्म इन टू एक्स नॉर्म तो यहाँ से आ गया टी टी स्टार बाई नॉर्म इज लेस लेसन टी नॉर्म इंटू टी स्टार बाई नॉर्म टू बाई नॉर्म टी स्टार बाई नॉर्म एक कैंसिल हो गया तो बी लेफ्ट टी स्टार्मी नॉर्म इज लेस इन टू तो बाई नॉर्म ये बॉन्डेड हो गया इसको टी स्टार्डेड सो कॉन्टिन्यूसम टी स्टार आपका ऑपरेटर बन गया अब हमने प्रूव करना है कि ये ऑपरेटर जो है वो यूनिक है टी का कॉन्ट्रीब्यूटर जो होता है वो टी स्टार ही होगा और कोई नहीं होता है तो हमने मान लिया इफ पॉसिबल लेट देयर एग्जिस्ट अनदर ऑपरेटर टी स्टार डैश सच दैट सच दैट टी एक्स इनर प्रोडक्ट बाई इक्व टू एक्स टी स्टार बाई एंड टी एक्स इनर प्रोडक्ट बाई इज इक्वल टू एक्स टी स्टार डैश बाई एक्स का इनर प्रोडक्ट टी स्टार डैश बाई साथ तो ये दोनों बराबर हो गए दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ टी स्टार वाई इज इक्वल टू टी स्टार डैश बाई और ये दोनों बराबर का मतलब टी स्टार इक्व टू टी स्टार डैश तो मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ा तो दिस इज यूनिकनेस उसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी वन ऊपर सी टी एम साथ में you should retain these results because they are standard results prove that adjoint operator t to t star on b of h मतलब ये स्पेस को नाम दे दिया हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज मतलब बोलने का मतलब ये हुआ कि ये जो कंजुगेट्स स्टार आपने डिफाइन किया t का ये जो adjoint operator डिफाइन किया t का इट हैज दीस प्रॉपर्टीज पहली प्रॉपर्टी याद करिए इसको t1 plus t2 का होल स्टार इक्वल टू t1 स्टार t2 स्टार अल्फा t होल स्टार अगर अल्फा कोई स्केलर वेक्टर अगर कोई स्केलर स्टार के अंदर है तो भी दोबार बाहर आएगा अगर ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन में हैं और उनका स्टार लें तो वो रिवर्स कर जाते हैं टी वन टी टू फोर स्टार टू टी टू स्टार इन टू टी वन स्टार अगर स्टार का स्टार लें तो खत्म हो जाता है मतलब टी डबल स्टार इक्वल टू टी स्टार उसका टी स्टार का नॉर्म और टी का नॉर्म दोनों सेम होंगे उसके बाद टी स्टार टी नॉर्म टी टी स्टार नॉर्म अगर लेंगे तो टी स्टॉर्मिज इक्वल टू टी नॉर्म उसके तो वन बाई वन देखते हैं दे आर वेरी सिंपल रिजल्ट और इन सबको प्रूव करने के लिए हम हेल्प लेंगे इनर प्रोडक्ट की तो मुझे पहले प्रूव करना है टी वन प्लस ट्री टू होल स्टार इक्व टू टी वन स्टार प्लस ट्री टू स्टार तो मैंने क्या किया एक्स का इनर प्रोडक्ट टी वन प्लस ट्री टू होल स्टार बाई ये लेके चल पड़ा फॉर एवरी क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में एक्स इनर प्रोडक्ट अल्फा टी होल स्टार लेंगे है ना इसी तरीके से अगला लगाओ ज़रा एट्टी की डिफाइनिंग स्टार अगर सेकंड प्लेस में तो फर्स्ट प्लेस में कहा तो विदाउट स्टार आ जाएगा उसके बाद टी वन एक्स प्लस टी टू एक्स अलग कर दिया उसका इन प्रोडक्ट लगाया टी वन एक्स इन प्रोडक्ट बाई प्लस टी टू इन प्रोडक्ट बाई उसका टी वन को सेकंड प्लेस मिलेगा तो स्टार लग गया टी टू को सेकंड प्लेस मिलेगा तो स्टार लग गया फिर इन प्रोडक्ट की रिवर्स डिफाइनिंग ये दोनों जमा हो गए और इसका दोनों को कंपेयर कर दो जैसे दोनों को कंपेयर करेंगे तो टी वन प्लस ट्री टू का स्टार बन जाएगा टी वन स्टार प्लस ट्री टू स्टार इसी तरीके से सेकंड थर्ड फोर्थ हैंड फोन सारे ऐसे ही रिजल्ट है सेकेंड के लिए एक्स इन प्रोडक्ट अल्फा टी होल स्टार बाई लेके चले सेम प्रोसीजर सेकंड प्लेस में स्टार आएँ तो फर्स्ट प्लेस में लाएंगे तो स्टार हट गया फर्स्ट प्लेस में अल्फा कांस्टेंट है तो विदाउट बार बार आ गया फिर इस टी को सेकंड प्लेस में ले तो स्टार लग गया अल्फा को सेकंड प्लेस में लेके जाएंगे तो बार आ जाएगा उसका दोनों को कंपेयर कर दो बीप्रूव्ड उसी तरीके से टी वन टी टू होर स्टार बाई लेके चले स्टार फर्स्ट प्लेस में लेके तो स्टार हट गया फिर इस टी वन को साइड लेके आगे स्टार लग गया फिर टी टू को भी तो लेके आगे टी टू स्टार लग गया दोनों को कंपेयर कर दो उसके बाद एक्स वन टी स्टार का स्टार सेकंड तो प्लेस में स्टार है तो एक स्टार हट जाएगा एक रह जाएगा टी स्टार एक्स इन प्रोडक्ट वाई उसके बाद इनको इंटरचेंज किया तो बार आ गया सर के ऊपर फिर इस स्टार को उठा के सर लेके आ गए तो स्टार हट गया बार एज इट इज उसका फिर बार हटाया कॉन्जुक्यट दिया तो फिर ये इंटरचेंज हो गया एक्स टी वाई कंपेयर कर दो दोनों को टी स्टार वाई नॉर्म स्क्वायर लेके चले टी स्टार वाई इन प्रोडक्ट टी स्टार वाई सेकंड प्लेस में तो स्टार हट गया दोनों साइड मॉड ले लिया दोनों साइड मॉड लेने के बाद को अच्छी इनक्वालिटी लगाई एक्स को मोबाई इन प्रोडक्ट मॉड इक्वल टू टू बाई नॉर्म ये फिर नोट आपका थर्टी थ्री थी रूम फर्स्ट सेक्शन में अगर टी लीनर प्रोडक्ट है तो उसको हम अलग अलग करके प्रेप्रिकट कर सकते हैं उसका टी स्टार बाई नॉर्म एक कैंसिल हो गया एंड भी लैपटॉप थे टी स्टार बाई नॉर्म इज इक्वल टू टी नॉर्मल टू बाई नॉर्म

उसके बाद क्या किया इस नंबर दो में मैंने क्या किया टी को टी स्टार से रिप्लेस कर दिया नंबर दो में टी को टी स्टार से रिप्लेस कर दिया जैसे टी स्टार से रिप्लेस कर दिया तो क्या बनेगा टी स्टार का स्टार लैसन इक्वल टू टी स्टार नॉर्म तो टी स्टार का स्टार अभी प्रूव किया आपने टी के बराबर होता है फ्रॉम टू एंड थ्री टी स्टार नॉर्म इक्वल टू टी नॉर्म उसका सिक्स पार्ट टी वाई नॉर्म स्केर लेके चले टी वाई टी वाई ये पैर में नहीं ध्यान रखना टी वाई सात में इसके टी को ऊपर दिशा ले गए टी स्टार टी वाई हो गया दोनों साइड मॉडल ले लिया कचीन क्वालिटी लगाई उसका नोट लगाया अलग अलग हो गया इसको नंबर वन कर दिया नॉर्म टी की डिफाइनिंग होती है ये सुप्रीमो ऑफ टी बाई नॉर्म बाई नॉर्म लेजन डिफाइनिंग से दोनों साइड स्केयरिंग कर दी और स्केरिंग करने के बाद टी बाई नॉर्म स्केयर टी बाई नॉर्म स्केयर नंबर वन से टू बाई नॉर्म टी स्टार टी नॉर्म बाई नॉर्म और बाई नॉर्म क्या लेजन तो क्या बचेगा सिर्फ ये बचेगा तो टी नॉर्मल स्केयर इज लेसन इक्वल टू टी स्टार टी नॉर्मल इसको नंबर टू कर दिया नाउ टी स्टार टी नॉर्मल लेसन इक्वल टी नॉर्म इंटू टी स्टार नॉर्मल इंटू टी नॉर्मल ठीक है जी अभी प्रूव किया पीछे आपने सो टी स्टार इक्वल टी टी नॉर्मल इंटू टी नॉर्मल हो गया टी नॉर्मल स्केयर हो गया so ultimately we left with three. तो अल्टीमेटली वी लेफ्ट विद थ्री ये फिफ्थ पार्ट से आया ध्यान रखना है तो फ्रॉम टू एंड थ्री

इफ जीरो एंड आई आर जीरो एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स ऑन हिर्वर्ट स्पेस एच देन जीरो स्टार इक्वल टू जीरो आई स्टार इक्वल टू आई एंड हैंस शो दैट इफ़ टी इज़ नॉन सिंगुलर ऑपरेटर ऑन एच दैन टी स्टार इज आल्सो नॉन सिंगुलर एंड इन दिस केस टी स्टार का इनवर्स इक्वल टू इनवर्स का स्टार मतलब इनवर्स को अंदर ले जाओ स्टार से बाहर ले जाओ को फ़र्क नहीं पड़ता है तो पहले तो प्रूव करेंगे कि जीरो और आई जो हैं वो सॉरी जीरो और आई जो हिरबर्ड स्पेस के एलिमेंट हैं आइडेंटिटी एंड जीरो ऑपरेटर उनका अगर स्टार लेंगे तो वही वापस आएंगे उसके बाद प्रूव करेंगे अगर टी नॉन सिंगुलर है तो टी स्टार भी नॉन सिंगुलर है अब नॉन सिंगुलर का मतलब विच इज़ वन वन एंड ऑन टू अगर टी वन वन ऑन टू है वन वन ऑन टू मीन्स इन्वर्टेबल अगर टी इन्वर्टेबल है तो टी स्टार भी इन्वर्टेबल होगा तो देखते हैं बारी बारी से तो पहले तो जीरो और आई जीरो और आई देखते हैं इनका स्टार सेम आता नहीं आता है तो एक्स इन प्रोडक्ट जीरो स्टार बाई लेके चले सेम प्रोसीजर जैसे एट्टी टू में किया हमने फर्स्ट टुप्पल में स्टार लेके आ रहे हैं तो हट जाएगा जीरो इंटू एक्स इज़ जीरो और इनर प्रोडक्ट में एक वैक्टर ज़ीरो तो जीरो होता है जीरो को बीगन डाइट एक्स कॉमा जीरो और एक्स कॉमा जीरो को बीगन डाइट एक्स कॉमा जीरो इंटू बाई उसका दोनों को कंपेयर कर दो तो जीरो स्टार इक्वल जीरो ऑन द सेम लाइन एक्स इन प्रोडक्ट आई स्टार बाई लेके चले इक्व टू आई एक्स इन प्रोडक्ट वाई आई इज आइडेंटिटी मैप आइडेंटिटी मैप की क्या खासियत होती है जो डाला कोई बार एक्स वाई को हमने आई वाई लिख दिया उसका दोनों को कंपेयर कर दो ठीक है जी तो आई लेट टी इज नॉन सिंगुलर ऑपरेटर ऑन एच टी नॉन सिंगुलर दे रखा है अगर नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो लेट टी इनवर्स बी इनवर्स ऑपटी टीन तो वर्स इज ऑल्सो ऑपरेटर अगर टी ऑपरेटर तो ये टीन वर्ष भी ऑपरेटर होता है अगर टी वर्ष टी का इनवर्स है तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी यही है पता होनी चाहिए आपको अगर टी का इनवर्स टी है तो इन दोनों के गुण आइडेंटिटी होते हैं तो टी टी इन टीन वर्ष टी, टी इज ऑलवेज इक्वल टू आई दोनों साइड स्टार लिए तीनों में स्टार लिए स्टार लिया तो आई स्टार आई के बराबर हो गया आई थिंक इट इज प्रूव्ड और ए बी होल स्टार अभी प्रूव किया आपने क्वेश्चन नंबर में टी वन टी टू होल स्टार इक्टार इन टू टी वन स्टार यह आई बन गया ये वैसे आ गया और इसका मतलब क्या हुआ टी स्टार्टिटल मीन सिंगुलर एंड इन दिस केस टी इन का स्टार इस टी स्टार को उठा के परली होता टी स्टार इनवर्स उसके बाद सेल्फर ज्वाइंटर क्या होते हैं एन ऑपरेटर टी ऑनवर्ट एच आर से अगर टी स्टार टी दोनों बराबर हो जाए तो उस ऑपरेटर को हम बोलेंगे सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर तो उस केस में टी एक्स इनर प्रोडक्ट वाई इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स इनर प्रोडक्ट टी वाई ये दोनों सेम हो जाएंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर और, और जीरो ऑपरेटर जीर आपके एडजॉइंट ऑपरेटर होते हैं मतलब सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होते हैं उसके नंबर थ्योरम नंबर एटी फोर वेरी सिंपल थ्योरम एंड इंपॉर्टेंट वन इफ ए वन एंड ए टू आ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स ऑन एच देन देयर प्रोडक्ट ए वन ए टू इज सेल्फ एडजॉइंट इफ एंड ऑनलीफ एन ए टू इक्वल टू ए टू ए वन बोलता है अगर ए वन तथा तो ए टू दोनों सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर हैं तो इन दोनों की गुणा भी सेल्फ एडजॉइंट होगी पर होगी कब इफ़ एंड ओनली इफ ए वन ए टू इक्वल टू ए टू ए वन मतलब अगर ये कम्यूट करेंगे तभी इनका प्रोडक्ट सेल्फ एडजॉइंट होगा अगर कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है तभी ये प्रोडक्ट जो वो सेल्फ एडजॉइंट होगा और प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इज सेल्फ एडजॉइंट इफ एंड ऑनली इफ टू ऑपरेटर कॉम्यूट कॉम्यूट्स ध्यान रखिएगा तो देखते हैं जरा बारी बारी से सिंपल है चलिए लेट ए वन एंड ए टू आर सेल्फर जॉइंट a1 ए वन स्टार इक्वल टू ए वन ए टू स्टार इक्वल टू ए टू कोई दिक्कत नहीं लेट ए वन ए टू इक्व टू ए टू ए वन ले लिया हमने कॉम्पिटेटिविटी ले ली टू ग्रुप ए वन ए टू ई सेल्फर ज्वाइंट तो देखते हैं अब सेल्फर ज्वाइंट कब होगा जब ए वन ए टू का स्टार ए वन ए टू आएगा तो ए वन ए टू का स्टार लेके चल पड़े बाई डिफाइनिंग ए वन ए टू का स्टार बन गया ए टू स्टार इन टू ए वन ए टू स्टार ए टू के बराबर है ए वन स्टार ए वन के बराबर है और ए टू ए वन ए वन ए टू के बराबर है तो इस कारण ए वन ए टू का स्टार लेके चले थे ए वन ए टू आ गया इसका सेल्फ ज्वाइंट हो गया कन्वर्स लेट ए वन ए टू इज सेल्फर ज्वाइंट मतलब ए वन ए टू का स्टार ए वन ए टू के बराबर अप्रूव करना है कि कम्यूट करते हैं तो हम ए वन ए टू इक्व टू ए वन ए टू होल स्टार लेके चल पड़े क्यों क्योंकि सेल्फ सेल्फर दे रखा है बाय डिफाइनिंग ए वन ए टू होल स्टारू स्टार ए वन स्टार और ए टू स्टार ए टू के बराबर होता है ए वन स्टार ए वन के बराबर होता है तो ये कम्यूट करके सिंपल उसका नेक्स्ट थ्योरम है एटी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन इफ टी इज एन ऑपरेटर ऑन एच इफ टी इज एन ऑपरेटर ऑन स्पेस एच देन टी एक्स का इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच इफ एंड इफ टी जीरो ऑपरेटर दिस इज अगेन वेरी इम्पोर्टेंट रिजल्ट बोलता है टी एक्स का इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ जीरो तभी होगा अगर टी जीरो ऑपरेटर होगा अदरवाइज इट मे और इट मे नॉट अगर टी एक्स का इन प्रोडक्ट एक्स के साथ ध्यान रखिएगा सेम फैक्टर है, है यहाँ पे अगर टी एक्स का इन प्रोडक्ट एक्स के साथ जीरो लेना है तो दिस इज ऑनली पॉसिबल इफ टी इज इट्स सेल्फ टू जीरो ऑपरेटर देखते हैं टी इक्वल जीरो ऑपरेटर टू प्रूव टी एक्स का इन प्रोडक्ट एक्स के साथ जीरो के बराबर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच एच के प्रत्येक एलिमेंट के लिए जीरो टी एक्स तो का इन प्रोडक्ट एक्स का लेके चले टी जीरो कैप दे रखा है जीरो कैप मीन जीरो ऑपरेटर जीरो ऑपरेटर मीन जीरो फंक्शन जीरो फंक्शन का जो भी एसोसिएट करेंगे वैल्यू इज ऑलवेज जीरो और इनर प्रोडक्ट में अगर एक वेक्टर जीरो है तो इट इज़ ऑलवेज इक्व जीरो कारण टी एक्स का इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ जीरो हो गया कन्वर्स अगर टी एक्स का इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ जीरो है और एवरी एलिमेंट ऑफ एच तो उस केस में दिस टी मस्ट बी ज़ीरो ऑपरेटर है। देखते हैं हमने एच में दो एलिमेंट उठाए दो एलिमेंट फील्ड से उठाए ध्यान से देखना ज़रा मैं टी अल्फा एक्स प्लस बीटा बाई इनर प्रोडक्ट अल्फा एक्स प्लस बीटा बाई लेके चला सेम वैक्टर अगर x कमो बाई एच के एलिमेंट है अल्फा बीटा फील्ड का एलिमेंट है तो अल्फा एक्स प्लस बाई बी एच का एलिमेंट होगा क्योंकि h हिलवर्ड स्पेस है और हिलवर्ड स्पेस जो होता है वो लिनर स्पेस होता है तो हमने x की बजाय एलिमेंट एसोसिएट किया अल्फा एक्स प्लस बीटा बाई टी एक्स इनर प्रोडक्ट एक्स लेकिन चले तो क्योंकि टी लिनर ट्रांसफॉर्मेशन तो अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी बाई कॉमो अल्फा एक्स प्लस बीटा बाई कोई दिक्कत नहीं सिंपल जो बेसिक कैलकुलेशन है यहाँ बीटा फर्स्ट टोप्लम विदाउट बार बार आएंगे यहाँ बीटा सेकंड टोप्लम विद बार बार आएंगे ये इन प्रोडक्ट खोल दिया अब यू कैन ओपन इजीली नाउ इट इज गिवन टी एक्स इनर प्रोडक्ट एक्स इक्व जीरो इसका मतलब ये भी जीरो हो गया ये भी जीरो हो गया बिकॉज दिस इज जीरो फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल एक्स वाइड माइंडेड फॉर ऑल एक्स फॉर फॉर ऑल एक्स मीनस बाई के लिए जीरो होगा बाइक के लिए भी होगा तो टी एक्स इनर प्रोडक्ट एक्स जीरो टी बाई इन प्रोडक्ट बाई जीरो हो गया तो, तो बचा गया एक ये बचा और एक ये बचा सेकंड और थर्ड टर्म बची लेफ्ट हैंड साइड इज अगेन जीरो बिकॉज यहाँ पर भी सेम टी एक्स इनर प्रोडक्ट एक्स टी टी एक्स इनर प्रोडक्ट एक्स हम लेकर चले तो टी एक्स इनर प्रोडक्ट एक्स जीरो के बराबर है ये भी जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ सेकेंड और थर्ड टर्म सेकेंड और थर्ड टर्म ये जो बची ये साम इक्वल टू जीरो और इसको कर दिया हमने नंबर वन ठीक है जी इसको कर दिया हमने नंबर वन सिंपल उसके बाद क्या किया इस नंबर वन में अल्फा की वैल्यू वन पुट की बीटा की वैल्यू वन पुट की अब ये हमारी चॉइस है वी कैन पुट अल्फा और बीटा वन वन पुट कर दिया तो हमारे पास ये आ गया फिर दोबारा नंबर वन में अल्फा की वैल्यू आयोटा पुट की बीटा की वैल्यू वन पुट की तो हमारे पास ये आ गया उसका आयोटा कॉमन आ गया ये आ गया उसका टू और थ्री को ऐड कर दो जैसे टू और थ्री को ऐड करेंगे वी लेफ्ट विद बट टू और थ्री को जैसे ऐड किया वी हैव टू टाइम टी एक्स इन प्रोडक्ट वाई इक्वल टू जीरो टी एक्स एन प्रोडक्ट वाई इक्वल जीरो दिस इज ट्रू फॉर एवरी वाई एवरी एक्स वी कैन रिप्लेस वाई बाई टी एक्स जब हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू होता है तो इट मस्ट बी ट्रू फॉर टी एक्स ऑल्सो तो बाइक के कहीं ना कहीं टी एक्स भी बन जाएगी तो दिस टी एक्स नॉर्मल कर इकोड जीरो मीन्स टी एक्स नॉर्मल इकोड जीरो मीन्स टी एक्स इक्व जीरो और टी एक्स इक्व जीरो दिस इज ऑनली पॉसिबल इफ एंड ओनलीफ टी इज इक्वल टू जीरो कैप फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच उसके बाद नंबर एटी सिक्स क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स है अगेन सिंपल वन एन एंड टी ऑन हिलवर्ट स्पेस एच इज सेल्फ ज्वाइंट इफ एंड ओनली टी एक्स इन प्रोडक्ट एक्स इज रियल दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टें रिजल्ट ध्यान रखना टी ऑफ एक्स इनर प्रोडक्ट एक्स अगर ये रियल है तो दिस इज ओनली पॉसिबल इफ टी इज सेल्फ ज्वाइंट और रियल प्रूव करने का तरीका क्या होता है रियल प्रूव करने का तरीका सिंपल होता है अगर किसी भी नंबर को रियल प्रूव करना तो प्रूव तो तो कर दो उसका बार खुद वो खुद है जिस भी नंबर को रियल नंबर प्रूव करना है तो प्रूव कर दो उसका बार वो नंबर खुद है इफ़ इट इज धन बी सी दैट इज ए रियल तो इफ़ एंड ऑनली फिर से देखते हैं डेट टी इज जॉइंट दे रखा है टू प्रूव टी एक्स इनर प्रोडक्ट एक्स इज रियल तो हम टी एक्स इनर प्रोडक्ट एक्स का बार लेके चल पड़े क्योंकि हमने इसको रियल प्रूव करना है तो उसका बार यही वापस आना चाहिए टी को सेकंड प्लेस में लेके गए तो स्टार आ गया क्योंकि सर्फर्ट जॉइंट दे देखा तो टी स्टार टी बन गया उसके बाद बार को यूज़ किया तो इंटरचेंज हो जाएंगे टी एक्स इन प्रोडक्ट एक्स ये ऊपर बार नहीं ध्यान रखना टी एक्स इन प्रोडक्ट एक्स तो उसके टी एक्स इन प्रोडक्ट एक्स बार हम लेकर चले तो प्रूव करिए टी एक्स इन प्रोडक्ट एक्स उसके ये रियल होगा कन्वर्स उल्टा लेकर चले टी एक्स इन प्रोडक्ट एक्स रियल देखा है टू प्रूव टी सर्फर जॉइट मतलब टी स्टार टी के बराबर प्रूव करना है तो जो देखा लेके चल पड़े अगर ये रियल तो उसके टी एक्स का इन प्रोडक्ट एक्स के साथ टी एक्स का इन प्रोडक्ट एक्स के साथ बार के बराबर होगा सिंपल है उसके बाद टी को पहली साइड लेके फिर बार को यूज़ कर दिया फिर इसको उठा के लेफ्ट साइड में लेके आ गए फिर इन प्रोडक्ट की रिवर्स प्रॉपर्टी यूज कर ली टी एक्स माइनस टी स्टार एक्स इन प्रोडक्ट एक्स इक्वल जीरो फिर टी माइनस टी स्टार एक्स इन प्रोडक्ट एक्स इक्वल जीरो एंड इट इज गिवन बाई थीरोम नंबर एटी फाइव यू प्रूवड कि अगर ये इन प्रोडक्ट जीरो है तो उस केस में टी मस्ट बी इक्कूड जीरो ऑपरेटर तो टी की जगह गाउन यहाँ पर टी माइनस टी स्टार तो टी माइनस स्टार टी माइनस टी स्टार इक्वल जीरो इसका नाम टी इक्वल टू टी स्टार बाई थीरोम नंबर एटी फाइव यू प्रूवड इट उसके बाद नेक्स्ट एटी सेवन एटी सेवन इज अगेन वेरी इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट रिजल्ट इफ इज पॉजिटिव ऑपरेटर लेकिन इसको करने से पहले बेटर है कि हम ऐटी सेवन को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ पॉजिटिव ऑपरेटर क्या होता है पॉजिटिव ऑपरेटर डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव ऑपरेटर क्या होता है ये एन सेल्फ ऑफ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर ए ऑन अ हिलबर्ट स्पेस एच बी पॉजिटिव बोलता है इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी ऑपरेटर को पॉजिटिव करना पहले तो सेल्फर जॉइंट होना चाहिए कोई भी ऑपरेटर पॉजिटिव कब होगा नंबर एक वो सेल्फ प्रोजॉइंट होना चाहिए इंपॉर्टेंट इफ एज ग्रेटर इकूड जीरो का मतलब ए एक्स का इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ ग्रेटर इकूड जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हुआ कि जिस भी ऑपरेटर को पॉजिटिव बनाना तो उसके पास दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं नंबर एक वो सेल्फ ज्वाइंट होना चाहिए नंबर दो ए एक्स इनर प्रोडक्ट एक्स ग्रेटर जीरो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल ऑपरेटर इज पॉजिटिव ऑपरेटर अब इसके ब्याह पे थ्योरम नंबर एटी एट है मैं एटी सेवन के बजाय पहले एटी एट करवा रहा हूँ फिर उसका एटी सेवन करेंगे हम एटी एट थियोर है प्रूव दैट आई जीरो कैप मतलब तो जीरो ऑपरेटर टी टी स्टार टी स्टार टी आर पॉजिटिव ऑपरेटर्स ये प्रूव करेंगे सारे पॉजिटिव ऑपरेटर्स हैं पॉजिटिव ऑपरेटर है मतलब वी शुड प्रूव नंबर एक दे आर सेल्फ जॉइंट नंबर दो आई एक्स का इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ ग्रेडन इकोड जीरो होना चाहिए जीरो एक्स का इनर प्रोडक्ट एक्स का ग्रेडनिकोड जीरो आना चाहिए टी टी स्टार एक्स का इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ ग्रेडन इकोड जीरो होना चाहिए टी स्टार टी एक्स का इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ ग्रेडनिकोड जीरो होना चाहिए तो देखते हैं ज़रा सेल्फ जॉइंट आप कर सकते हैं अपने आप अपने प्रूव किया अभी आपने जीरो स्टार सेल्फ जॉइंट एक्स इनर प्रोडक्ट जीरो स्टार बाई लेके चले स्टार फर्स्ट ओप में आ गया जीरो एक्स इन प्रोडक्ट बाई जीरो इंटू एक्स जीरो हो गया और एक वैक्ट जीरो हो तो इन प्रोडक्ट जीरो रहता है उसके बाद जीरो को भी कंडाइट एक्स इन प्रोडक्ट जीरो बाई तो कंपेयर करके जीरो स्टार इकोल जीरो तो जीरो सेल्फ जॉइंट हो गया ऑन द सेम लाइन्स आई स्टार इज सेल्फर जॉइंट ऑन द सेम लाइन्स टी टी स्टार इज सेल्फर ज्वाइंट सेल्फर ज्वाइंट टी टी स्टार का होल स्टार लेके चल पड़ो या आ जाएगा सेल्फ जॉइंट उसी तरीके से टी स्टार टी का होल स्टार लेके चलो वापस आ जाएगा सेल्फ जॉवाइंट हो गया अब हमें चेक करना है इनका इन प्रोडक्ट ग्रेटन एक जीरो है नहीं है. तो आई एक्स का इन प्रोडक्ट एक्स के साथ लेकर चले आई इज आइडेंटिटी ऑपरेटर आइडेंटिटी ऑपरेटर मीन आई एक्सोट एक्सट से एक्स इनर प्रोडक्ट एक्स एक्स नॉर्म स्क्वायर स्केर ग्रेटन ऑलवेज तो उसका आई पॉजिटिव हो गया सेल्फ एडेंट यहाँ से हो गया ग्रेटर यहाँ से हो गया पॉजिटिव हो गया उसी तरीके से जीरो ऑपरेटर जीरो एक्स कॉमा एक्स लेकर चले जीरो एक्स जीरो जीरो के बराबर आ गया ना ग्रेटर ग्रेटन इक्वल जीरो या ग्रेटर जीरो आना चाहिए इक्वल जीरो आनी चाहिए दोनों आनी चाहिए तो इक्वल जीरो आ गया तो सेल्फ एडेंट यहाँ से हो गया जीरो प्रोडक्टर सेल्फोड जॉइंट ये हो गया पॉजिटिव यहाँ से हो गया तो पॉजिटिव हो गया उसका टी टी स्टार एक्स इनर प्रोडक्ट एक्स लेके चले इस टी को उधर लेके आए तो स्टार के साथ आएगा नॉर्म स्क्वायर पॉजिटिव हो गया तो टी टी स्टार सेल्फ जॉइंट यहाँ पर है ग्रेडन एक यहाँ पर हो गया तो पॉजिटिव हो गया उसी तरीके से ये भी पॉजिटिव हो गया ठीक है जी अब इसके बेस पे अब थ्योरम नंबर एटी सेवन है जिसको हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच